प्यारे दोस्तों, योगी वीरेंद्र योगी, इसका मतलब ही है कि अपने मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखना, अपने जीवन को हमेशा सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा पर केंद्रीभूत करना और जीवन में सारे लोगों को, पूरी मानवता को, 7.5 बिलियन सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड को शांति का पाठ पढ़ाना, जो हमारे प्रिय मित्र बुद्ध ने सीखा। विवेकानंद ने अमेरिका में जाके कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, प्यारे दोस्तों, बेटी और बेटों, बहनों और भाइयों, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे धरती की माताओं और बहनों, भाई, लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मनुष्य को इतना जबरदस्त जकड़ा हुआ है कि ये ज्ञानी पशु प्रवृत्ति से, व्याघ्र प्रवृत्ति से जानवर की तरह अहंकारी हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, घृणा करता है, नफरत करता है, नाराज हो जाता है और बिना सोचे बूझे दूसरे के दिल को तोड़ता है, दूसरों को इतना दुख पहुंचाता है कि उसकी जिंदगी हैरान हो जाती है। वो रोते हैं, कलपते हैं, तड़पते हैं, क्योंकि ये पाशविक प्रवृत्ति है जिसे डार्विन, मेरा दोस्त, ने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सबसे सर्वशक्तिमान होगा वही जीवन जी सकता है, और जो कमजोर होगा उसके लिए इस धरती पर कोई जगह ही नहीं होगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक हमारे हिंदी में कविता थी जिसका सारांश बताता हूँ। निंदक कभी न निंदिए जो पांव तले की होए, उठ के परे जो आंख में खरे धुएला हुए। कहने का मतलब है कि अगर किसी को आप घृणित समझते हैं, छोटे समझते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा भूल है। अगर पैर के नीचे पड़ा हुआ एक धूल का कण हवा में उड़ के आपके आंख में आए तो आपको अंधा बना सकता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मैं तो योगी बन गया। योगी का मतलब है प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, केवल प्यार ही जीवन, प्यार ही जीवन, प्यार ही जीवन, सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति ही मेरा नारा है। पूरे ब्रह्मांड को सुनाना चाहता हूँ, विभिन्न राज्यों को, विभिन्न देशों को, ये मेरा विनम्र संदेश है कि अगर चाहते हो कि आप अपने नागरिक का कल्याण करो, तो आपको हमेशा भाईचारे बना के अपने पड़ोसी देशों से, दुनिया के सब देशों के साथ अच्छा व्यवहार करके जीना चाहिए। आप सर्वशक्तिमान हो सकते हो, अमेरिका हो सकते हो, रूस हो सकते हो, चाइना हो सकते हो, जर्मनी हो सकते हो, जापान हो सकते हो, फ्रांस हो सकते हो, फिर भी प्यारे दोस्तों, कभी अहंकार मत लाओ, कभी दुष्ट प्रवृत्ति से आके लोगों पर हमला नहीं कर दो, क्योंकि जो कमजोर है वो भी हमला करेगा। हमला करना तो पाशविक प्रवृत्ति है, भले वो कमजोर ही क्यों नहीं हो, दुष्टता दुष्टता से ही प्रतिकार करता है। इसीलिए योगी वीरेंद्र योगी, इस अमेरिकन जो हमले हुए जिसमें इस्लामी मारा गया, ईरान का जनरल था, अब ईरान ने हमला किया है अमेरिकन जो उसके एयरफोर्स बेस है, और ये श्रृंखला चलती रहेगी। ये ईर्ष्या, द्वेष और बदले की भावना से प्रेरित होता हुआ ये विश्व युद्ध की ओर प्रग्रसित हो रहा है। आप जानते हो कि ईरान का भी सहयोगी है चाइना, रसा और बहुत सारे देश हैं जो ईरान के साथ हैं। अमेरिका के भी कुछ चंद देश हैं जो उसके साथ देंगे, यूरोपियन कंट्री, सऊदी अरबिया, बहुत सारे देश उसके साथ आएंगे। तो क्या होगा, एक विश्व युद्ध हो जाएगा, और अपनी मातृभूमि भारत माता के लिए एक एक सदमा का कारण बनेगा, क्योंकि हम तो विश्व हिंदुत्व की नारा से सबके साथ अच्छे संबंध बना के जीना चाहते हैं। हम तो हमेशा शांति के दूत रहे हैं, थे और रहेंगे, लेकिन ये तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद घटना हो गई। अब देख रहे हैं कि इस तरह से जो द्वंद्व चलना शुरू हुआ है, जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके कीमतें बढ़ रही हैं, हम लोगों का जो डीजल और पेट्रोल है और गैस है सारे महंगे हो जाएंगे। अब अमेरिका ने तो इस्लामी को मारा, और अमेरिका कह रहा था इस्लामी अमेरिकन हित में काम नहीं कर रहा है, वो कुछ फरका रहा है। फिर ईरान कब चुप रहने वाला,
देखा ईरान के राष्ट्रपति को रोते हुए तो मैं रोने लगा, क्योंकि मेरे भाई मैं तो किसी का बाल भी बाका नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरा ही बाल है। मैं तो योगी वसुदेव कुटुंब का मात पर सर्वदेश, सारी मानवता पशु पक्षी जीव जंतु हमारे ही हैं, हम उन्हीं के हैं, हम जुड़े हुए हैं। ज्ञानियों में महाश्रेष्ठ गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने बता के गया कि सबसे बड़ा धर्मावलंबी वही है, सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो हर जीव जंतुओं में अपनी छवि देखता हो और सबका सम्मान करता, सबके साथ प्यार करता, सबको जीने के लिए प्रेरित करता है और उनके सहयोग से खुद भी जीवन को व्यतीत करता हो। प्यारे दोस्तों, मैं यही निवेदन करता हूँ कि अभी जो आग फैली है अमेरिका और ईरान में, जो घटनाएं घट रही हैं, पता नहीं है किसका अंत कहां तक होगा। तृतीय विश्व युद्ध का घनघोर बादल छा रहा है। इस बड़ी सी जो घटना है उसको अपने जीवन में लीजिए। आप कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करिए, कभी भी किसी से द्वेष मत करिए, हमेशा प्यार करिए। दुष्टों की कमी नहीं है। राम की पत्नी का भी हरण रावण किया था, कृष्ण का भी अपमान कंस ने किया था, और बहुत सारे से दुष्ट थे जो कौरवों का सर्वनाश करने को तैयार थे, उसका सब कुछ ले लिए थे। तो अंत क्या हुआ? युद्ध, महासंग्राम, विनाश। तो अगर नफरत होगी, नाराजगी होगी, ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा, लोभ होगा, लालच होगा, तो आप अपनी जिंदगी को जला देंगे, भून डालेंगे, आप खुशहाल नहीं रहेंगे। अगर आप खुश होना चाहते हैं, जिंदगी जीना चाहते हैं जो कि आपको एक मिला है, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, अब इसको जिम्मेदारी के साथ जीने का एक ही तरीका है, शांति में जीवन जिए, सत्य न्याय प्रेम शांति के अहिंसा पर चलते हुए, सबको साथ लेते हुए। इसीलिए तो मेरा प्यारा दोस्त योगी नरेंद्र मोदी बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन हमारे देश में भी स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, वंशवादी, परंपरावादी जो देश को लूटते रहे, देश के सोनित को चूसते रहे, उनको कहाँ बर्दाश्त होगा कि फिर से कोई एक ऐसा देवत्व से पूर्ण महामानव का प्रादुर्भाव हो जो भारत की हर जनता के लिए, हर माँ बहन बेटी के लिए, हर भाई और बहनों के लिए दिन रात सोचता है और जितना हो सकता है करता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, नफरत की आग कभी नफरत से नहीं मिटेगी, नफरत की आग मिटेगी प्रेम से। प्रेम करो, सबके साथ अच्छे संबंध रखो। अगर कोई दुष्ट भी हो, अगर आपसे दुष्टता करे, तो मित्रता का हाथ बढ़ाओ। कोई अगर आपका अपमान भी करता हो तो उसे सम्मान करिए, क्योंकि देने वालों की ये महिमा है। एक भुजंग, जहरीला भुजंग, उससे लवालब क्या देगा? अगर देना हो उपकार देगा और जहर देगा। लेकिन आप अगर चंदन हो तो आप उस भुजंग को भी शीतलता प्रदान करेंगे। कहना बड़ा आसान है, झेलना बड़ा मुश्किल है। इसका अनुभव मैं करता हूँ, मैं योगी हूँ, इसीलिए मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वो मेरे सांस सांस में बसती है, मेरे रोम रोम मेरे शरीर के हर कतरों में है, खून में। प्यारे दोस्तों, मैं हर जीव जंतु को जब देखता हूँ कि व्याधा हंटर्स उसे मारते हैं, जीव जंतु पशु पक्षियों को, तो मैं चट्टान की तरह उनके अवरुद्ध करने के लिए उनके मार को रोकता हूँ और मुझे उनका दुश्मन समझ लेते हैं। हाथ जोड़ता हूँ, पैर जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ऐसा कुकर मत करिए। ये आजाद है, पूरी पृथ्वी ने सबको बराबर आजादी दी है, प्रकृति ने सबको आजादी दी है, जीने का हक है, किसी का जीने का हक मच्छी नहीं। और इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ हमारे युवा पीढ़ी से, खास के बेटी और बेटों से, कि क्षमा, करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, दूसरों के काम आने की प्रेरणा से आगे बढ़िए। और कभी भी विश्व युद्ध नहीं हो, कभी भी आपके घर में भी संग्राम नहीं हो, हमारे कुछ परिजन हो सकते हैं, हमारे कुछ अपने हो सकते हैं जो अज्ञानी है, जवान नहीं तलवार चलाते हों, जो सबसे ज्यादा दुख पहुंचाता है, फिर भी आप अपनी सहिष्णुता का परिचय दीजिए, अपने ज्ञान और विवेक का परिचय दीजिए। मेरा दोस्त गौतम से
सिद्धार्थ बुद्ध ने कहा कि देना उनका कर्म है, उनका दुर्भाग्य है, वो पतित है, भ्रष्ट है, भटके हुए हैं, काम क्रोध मोह से लिप्त है, अहंकारी है। लेकिन आप उसको ले या नहीं ले ये आपकी क्षमता है, लेना नहीं लेना ये आपकी मर्जी है, तो आप मत लीजिए, केवल दीजिए। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, रमदार जोगी वीरेंद्र योगी केवल प्यार की भाषा जानता है। अरे भाई क्या है भरोसा देह का, विनस जाना छिनमाही, सास सास सुमिरन करो और यतन कठिना है, सुमिरन करो इस अनंत प्रकृति का, आनंद लो इस प्रकृति की छवि का, एहसास करो ज्ञानी महापुरुषों प्रेमियों का जो आपको सम्मान करते हो, आदर करते हो, और उनसे सीख के आप भी उन्हीं की तरह जगत गुरु बनिए। ये क्षमता है हम में आप में, हम तो इसके पीछे पड़े हुए हैं, कमर कस के पड़े हुए हैं कि मैं रहूं न रहूं, लेकिन जब तक हो आपके लिए, आप तो मनुष्य जाति के हैं, दुख है मनुष्य जाति से, सबसे बड़ा दुष्ट तो मनुष्य है, आदमी का शत्रु केवल आदमी, क्योंकि इसमें काम क्रोध मद लोभ मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कला करने की प्रवृत्ति है, अपने आप को अहंकारी सर्वशक्तिमान रावण कंस समझता है। लेकिन मेरे जो दूसरे पक्ष हैं, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये प्रकृति की अद्भुत विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक, वो बहुत मुझे प्रिय है, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, मुझसे कुछ मांगते भी नहीं, प्रकृति ने उनके लिए सब कुछ दिया है, हवा पानी और उनके सारे आहार का भी इंतजाम किया है। तो ज्यादा मैं पशु पक्षी जीव जंतुओं से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन वचनों को सुन के आप एक महामानव बनेंगे, एक फिर से बुद्ध की रचना करेंगे, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध और हमारे जितने भी महान संत हुए उनके रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे, और इस खुशहाली से पूरे पृथ्वी को समावेश कर देंगे, लटपट कर देंगे, पूरा इसको सीने में समा देंगे, सागर की तरह। ओम शांति सर्वत्र शांति, असदो मां सर्वगो, तमसो मां ज्योति गमे, मृत्यु मां सर्वे भवतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वत्राणि पश्यन्तु मा कश्यन्तु। देखो भगवान ने हमें ईरानियन प्रेसिडेंट को रोते हुए देखा, जबकि उसके मजार पर उसको दफन करने पहुंचे थे सुलेमानी को, दुखी कितना रहा होगा, कितना बेचैन होगा अपना एक अभिन्न मित्र को खो के। क्या डोनाल्ड ट्रंप को इसका एहसास हुआ होगा, फिर डोनाल्ड ट्रंप में इतनी चेतना नहीं है कि अगर हम दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो क्या मुझे छोड़ेंगे, और जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो जो धन दौलत मानवता के कल्याण के लिए, जो पीड़ित हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, बेरोजगार हैं, बेबस हैं, उसमें लगना चाहिए जनहित में, वो विध्वंसकारी तांडव नृत्य करेगा और फिर से महाभारत होगा, युद्ध ऐसा होगा, लाशें बिछी होंगी, खून की नदियां बहेगी, सियार जयकाल खून पिएंगे और मानवता पर हंसेगी प्रकृति। प्रकृति ने तो हमें प्रेम सिखाया, इसीलिए तो पृथ्वी पर हम टिके हुए हैं, तो आकर्षण के आकर्षण से जागो मानव, विजयी भो, अपने काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष कलह पर विजय पाओ, और शांति में जीवन के लिए खुद प्रेरित हो और केवल प्यार करो, मोहब्बत करो, ब्रेथ बेस्ट टू लव इट बेस्ट, ऑल थिंग्स